पेट्रोल की ज़्यादा समस्या नहीं है क्योंकि यहाँ पे ब्लैक में मिल जाता है 150 रुपये लीटर पे। हाँ हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो दिस इज़ डे 10 और अभी हम हैं मेराक विलेज में। मेराक यानी पेंगोंग लेक के किनारे पे यहाँ पे रुके हुए हैं होम स्टे के अंदर। पीछे आप देख सकते हैं ये है हमारा कमरा, अभी फ़िलहाल पूरा बिखरा हुआ पड़ा है। तो अभी जस्ट उठे हैं और शानदार बढ़िया नींद ली है क्योंकि 3 दिन से लगातार कैंपिंग कर रहे थे और कैंपिंग के बाद में आज होम स्टे लेके थोड़ा रेस्ट किया है। इक्विपमेंट्स वगैरह चार्ज कर लिए हैं और कपड़े वगैरह धो लिए हैं, खुद भी नहा लिए हैं, तो सारी चीज़ें हो गई है। तो आप देखिए यहाँ से हमारे रूम से जो व्यू है पेंगोंग लेक का सामने। तो यहाँ से अभी ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे और निकलेंगे आगे टूवर्ड्स नुब्रा वैली। तो काफ़ी एग्जॉस्टिंग हो चुका था यार, कल की जो ऑफ रोडिंग थी बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही लगातार ऑफ रोडिंग करने के बाद में एग्जॉस्टिंग हो गया था। तो आराम से रेस्ट किया है तो थोड़ी थकान दूर हुई है। आज फिर दोबारा कंटिन्यू करेंगे आगे की तरफ, अपन चलेंगे नुब्रा वैली। तो अभी सामान वगैरह पैक करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी। पेट्रोल की ज़्यादा समस्या नहीं है क्योंकि यहाँ पे ब्लैक में मिल जाता है 150 रुपये लीटर पे आराम से। हानले में थोड़ा सा भरवा लिया था मैंने और यहाँ पे मेराक विलेज में नहीं है, आगे निकलेंगे थोड़ा सा 20 किलोमीटर आगे, फिर दोबारा मिल जाएगा अपन को। तो वहाँ से रिफ़िल करवाएंगे, फिर आगे खालसर में पेट्रोल पंप है तो वहीं पे अपन पूरा रिफ़िल करवा के और वहाँ से निकलेंगे आगे। तो अक्रम भाई भी रेडी हैं, फुल पूरी नींद निकाल लिए, बढ़िया। तो अभी जल्दी से पैकिंग वगैरह करते हैं और निकलते हैं आगे टूवर्ड्स नुब्रा वैली और स्टार्ट करते हैं आज का डे। लेट्स सी एंड लेट्स रोल। After being riding and visiting remote places, I don't think I was ready to see civilization and commercialization instantly. और यही रीजन था दैट आई डिडंट स्टॉप एट सो कॉल्ड थ्री इडियट्स पॉइंट। फोटो बूथ्स के नाम पे दे हैड 25 करीना वाला स्कूटर्स एट द बैंक ऑफ द लेक। तो मैंने क्राउड अवॉइड करते हुए अपनी जर्नी कंटिन्यू की टूवर्ड्स नुब्रा वैली। I was running out of the petrol और काफ़ी देर से I was searching for the village Thang से but couldn't find petrol so the next stop was Durbuk. I purchased the petrol at 120 rupees per liter, regrouped with Akram bhai and then continued our journey. Getting crowdier as I was approaching Nubra Valley.
lot of tourists and one day riders who were coming towards Pangong Lake from Nubra Valley. बीच बीच में रोड कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी और फिर हम पहुँचे द वैली ऑफ शूटिंग स्टोन्स। ये जो राउंड शेप स्टोन्स आप देख रहे हैं ये हवा से लूज होके काफ़ी तेज़ी से नीचे आते हैं एंड इट फील्स लाइक समवन इज शूटिंग दम। इट वॉज रिस्की टू राइड स्लो हेयर ऑल दो द प्रोसेस इज नॉट ऑफन बट हु नोज वट माइट हैपन। So I increased my pace and tried to pass it as soon as possible. So we are in the Agam village right now और यहाँ से खालसर रह गया 29 किलोमीटर्स और खालसर के बाद में नुब्रा वैली स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ से डिस्किट है अराउंड 49 किलोमीटर्स तो अराउंड 55 से 60 किलोमीटर रह गया है खुंडर आज की डेस्टिनेशन। तो जल्दी से यहाँ पे अभी लंच वगैरह किया है थोड़ा बहुत हल्का फुल्का राजमा चावल वगैरह खा के निकलेंगे अपन आगे और पहुँचते हैं आज की डेस्टिनेशन खुंडर में और देखते हैं वहाँ पे क्या करना है कैंप लगाना है होम स्टे लेना है जो भी लेना है वो आपको अभी थोड़ी देर में अपडेट मिल जाएगी। तो जल्दी से फटाफट यहाँ से खाते हैं और निकलते हैं। The roads were calmer after crossing Agam village, although very steep. We were finally in the Nubra Valley. After checking for the petrol at Khalsar petrol pump, we proceeded towards Hunder Valley and targeted to reach the sand dunes at least before the sunset. The first view of the sand dunes was magical. It was so good to see this unique creation of Almighty, and it almost felt like we were riding on a different planet. सो हुंडर पहुंच गए थे कल 5:30 बजे और यहाँ पे होम स्टे ले लिया था पूरे सैंड ड्यून्स में गए थे पहले वहाँ पे कैमल वगैरह देखे और फिर उसके बाद में सो गए थे यार काफ़ी ज़्यादा थक गए थे खाना वाना खाया और सो गए थे। सो इस डे को और इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। अभी जो होम स्टे में रुके हैं वो मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में कैसी लोकेशन है और कैसा दिखता है। बाकी इसको ब्लॉग को यही एंड करते हैं। आई होप आपको कुछ नया देखने या जानने को मिला होगा। अपना वक्त देने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले सफ़र पर।